ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन् मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु आविरादि महेधि बोलो श्री गुरु दत्तात्रेय महाराज की जय। प्राण स्वरूप सर्वव्यापक देवो दैत्यों चराचर के गुरु पद पर विराजमान हमारे हृदयस्थ प्राण स्वरूप गुरु दत्तात्रेय महाराज पूज्य श्री आदरणीय हरिहर बाबा आदरणीय मातुश्री सभी उपस्थित दैवी आत्माओं प्रणाम नमस्कार हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त। गुरु पूर्णिमा का पवित्र पर्व है। पूर्ण चंद्रमा के इस पूर्णिमा का आज सायं समय नजदीक है। पूर्णिमा अपने आप में ही पूर्ण है। उस दिन चैतन्य शक्ति इतनी जागृत इतनी प्रबल होती है और आज तो उसको गुरुदेव का गुरु शक्ति का संपुट मिला है। तो धन्य है आज आप हम सबका जीवन, धन्य है आज का समय, धन्य है हमारे माता पिता आपके माता पिता जिनको पूज्य श्री जैसे सिद्ध समर्थ दत्तात्रेय के स्वरूप ऐसे पूज्य श्री प्राप्त हुए हैं। गिरनार की भूमि प्राप्त हुई है और इस गिरनार साधना आश्रम में हमें ये संजोग मिला है कि हम उसकी उपासना कर सकें उसका अनुग्रह प्राप्त कर सकें। तो पुनः पुनः हम आप अपने गुरु महाराज की जय जयकार बुलाएंगे। बोलो श्री गुरु दत्तात्रेय महाराज की। ऐसे समर्थ गुरु महाराज कोई चिंता नहीं कोई फिक्र नहीं, बस अपना सर उनकी गोद में रख दो, शरणागत हो जाओ, उसका नाम लो। हे गुरु महाराज हम आपको समर्पित है, आपके श्री चरणों में आपकी गोद में मेरा मस्तक है, आपका वरद हस्त। हे गुरुदेव हमेशा मेरे सर पर रहे, मेरे परिवार पर रहे और जो योग्य लगे जो हित में हो ऐसा हे गुरुदेव आप कृपा बरसाते रहें, आदेश करते रहें अपने कर्म के लिए अपने कार्य के लिए। हे गुरुदेव आप हमारा चयन करें, जो योग्य लगे वो हमारे जीवन को आप आगे बढ़ाते जाएं। ऐसी सुंदर प्रार्थना आज हम आप दत्त महाराज के श्री चरणों में करें। बहुत ही धन्य जीवन है, बहुत ही मैं हमेशा बोलती हूँ कि वी आर द लकीएस्ट किड्स ऑफ ऑलमाइटी। ये गुरु परंपरा
ये गुरु चैनल ऐसी है जो सीधे हमें स्वर्ग के द्वार की ओर नहीं, स्वर्ग में जाकर के भी पुनः मृत्यु लोक में आगमन हो सकता है, लेकिन गुरुदत्त के श्री चरणों में समाहित होने के बाद फिर जन्म मरण का चक्कर मिट जाता है। तो ऐसी ये सीधी सीढ़ी गिरनार से श्री गुरु दत्तात्रेय के टूक पर, दत्त टूक पर, हमारे गिरनारी के टूक पर हमें आपको ले जाती है। तो हम आप वास्तव में धन्य हैं कि ऐसे गिरनार की गोद में श्री गुरु गुरुदेव दत्त के श्री चरणों में, पूज्य श्री के श्री चरणों में बैठ करके आज इस पूर्णिमा का, पूर्ण चंद्रमा का जो शक्ति है, जो शक्तिपात है, जो अनुग्रह है, उसका आप हम सब सेवन कर रहे हैं। उस सेवन को करने के पश्चात प्रातः काल से अब तक बहुत सी बातें, बहुत से सत्संग और अनुग्रह, भजन कीर्तन से आप हम सब अनुग्रहित हुए हैं। तो इस अनुग्रह को हमें आगे कैसे बढ़ाना है, इस अनुग्रह को हमें कैसे संजोना है, ये आशीर्वाद पूरे साल, पूरे जन्मों जन्म आपके हमारे साथ बना रहता है। तो ऐसे श्री गुरु दत्तात्रेय महाराज बारंबार बारंबार उनकी हम यादी करें और उनके दिव्य वचनों को, उनकी दिव्य कृपा को गुरु लीलामृत के स्वरूप में, गुरु चरित्र के पाठ के स्वरूप में, दत्तात्रेय वज्र कवच के स्वरूप में, दत्त माला मंत्र के स्वरूप में हम पढ़ते रहें, उसको याद करते रहें, किसी न किसी रूप में हम अपने को उसके साथ बनाए रखें, ये जरूरी है। उस बनाने में एक ही बात हमें मदद करती है, वह बारंबार हमारे गुरु स्थान में आना, बारंबार श्री प्रभु के श्री चरणों का संग करना। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजई रति मम कथा प्रसंगा। तो स्वाति बहन एक जरा उसको दोहे को आप गा दीजिए। तो पहली भक्ति जो है वो संतन को संग हमें करना है, करते रहेंगे तो बाकी नवो नव भक्ति आपके हमारे अंदर सहज में आती जाएगी। तो स्वाति बहन जरा सुना दीजिए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति क्या है, गुरु का कार्य क्या है, गुरु का अर्थ क्या है, उनका कर्म क्या है, उनकी क्रिया क्या है। गुकार सत्व अंधकारस्तु रुकारस्तेज उच्यते, अंधकार निरोधत्वात्
गुरु रीत्यमि भीतते। गुरु गुकार यानी अंधकार, हमारे अंदर जो अंधकार है, सिंपल इक्वेशन गुरु करता है, हमारे अंदर का जो अंधकार है, अज्ञान है, गुकार यानी अंधकार, रुकार यानी तेज, जो अंधकार का निरोध करके प्रकाश को हमारे अंदर प्रकाशित करता है। तो वह प्रकाश कैसा? वह प्रकाश आनंद का है, वह प्रकाश खुशी का है, वह प्रकाश पॉजिटिवनेस का है। तो मैं बारंबार बताती हूँ कि भगवान ईश्वर दत्तात्रेय श्रीनाथ जी राम जी हनुमान जी कोई आग का कि प्रकाश का गोला जो आकर के फूट पड़ेगा, दर्शन दे करके सभी कुछ हमारा बदल देगा। तो ये बात जो है वो इस तरह से लागू होती है कि जैसे अपने आप हमारा हृदय परिवर्तन हो जाता है, हमारी इच्छाएं बदल जाती है, हमारा मन बदल जाता है। तो वो कब होता है? जब रामायण की जो पहली चौपाई है नवधा भक्ति की, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजई रति मम कथा प्रसंगा। संतों का संग करें, पुनः पुनः पूर्णिमा को आते रहिए, पूज्य श्री का सत्संग सुनते रहिए, आपके अपने आश्रम में आकर के लाभ लीजिए। तो जो अंधकार है वो कितने प्रकार का है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, ये कोई गलत तत्व हमारे आपके अंदर नहीं है, ये ईश्वर निर्मित है, लेकिन वो सही मायने में सही जगह चैनलाइज हो तो गुरु अनजाने में हमें कुछ नहीं करना पड़ता, स्वयं गुरु ही हमें प्रकाशित करता है। हमारे हृदय में एक तेज, एक प्रकाश, एक इच्छा, एक संकल्प अपने आप प्रस्फुटित होता है, उसको आप हम फील करते हैं। सुबह से शाम तक आप हम सब यहाँ बैठे हैं, कितनी प्रसन्नता है, हमारे नर्वसनेस के विचार, अनेक प्रकार के विचार के झोंके हम सबको ही आते हैं, चाहे योगी हो, चाहे भोगी हो, चाहे संत हो, चाहे सिद्ध हो। समाधि से नीचे की स्थिति में हमेशा संकल्प, विकल्प, भाव, अभाव आते ही रहते हैं। तो आई ऑलवेज टेल दैट दिस इज द प्ले ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी। यह जीवन, ये अच्छाई और बुराई, सद और असद पर ही टिका हुआ है। हमें मात्र गुरु के श्री चरणों में अपना मत्था टेक के, श्री गुरु के शरणागत होकर के, और यहाँ तो दत्तात्रेय महाराज जैसे गुरु आपको हमको प्राप्त हुए हैं, बड़े दुर्लभ है। पता नहीं इस जन्म में अगर चूक जाएंगे तो कहाँ शरीर जन्म लेगा, कहाँ हम भटकेंगे, उस समय पुनः हमें कौन गुरु मिलेगा, उस समय हम फिर भजन करेंगे कि माया में लिप्त हो करके पुनः जन्म मरण की चक्की में पिसते 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 इस प्रापंचिक जगत में सुख दुख हानि लाभ शांति अशांति संकल्प विकल्प अनेकों प्रकार की विटंबड़ाओं में अपने इस मनुष्य जीवन को हम फिर पिसते जाएंगे। ऐसे कितने जन्म पता नहीं बीत जाएं। ये अद्भुत मौका है, गिरनार की गोद है, गिरनार साधना आश्रम जैसे सिद्ध पीठ है, पूज्य श्री जैसे स्थिति प्राप्त ब्रह्मनिष्ठ संत हैं, और दत्त महाराज जैसे गुरु हम सब की ओर पूर्ण अपने हाथ से अपनी कृपा बनाए रखे हैं। हमारे उनकी छाँव में, उनकी छत्र छाया में आप हम सबको इस मनुष्य जन्म को सार्थक करने के लिए पूर्ण रीत से कटिबद्ध हो जाना चाहिए। जो भौतिक कार्य है उसको करते रहें, और उसके साथ साथ नियमित जप और ध्यान, नियमित जप और ध्यान से हमारी चीति उसके साथ बनी रहेगी, हमारी रूह उसके साथ बनी रहेगी, जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है वो निकलते रहेंगे,
बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है कि नियमित ध्यान जप हो, अगर छूट जाए, अगर मन नहीं करे जब बहुतों को ऐसी स्थिति आती है कि मन नहीं करता माला करने को, पहले तो 3-3 52 होती थी, अब एक माला करने का मन नहीं करता, ऐसे अनेक लोगों के प्रश्न है। तो उसके कारण अनेक होते हैं, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी से ज़्यादा प्रबल होती है। आपको 10 लाख का फायदा हुआ, आप खुश हो, पार्टी करोगे और आनंद कर लोगे, भूल जाओगे कितने दिन में, 2-4 दिन में। और 10 लाख की नुकसानी हुई तो कितने दिन याद रखोगे, 10 महीने तक आप भूल नहीं पाओगे कि मेरे ये 10 लाख रुपये गए हैं। तो ये नेगेटिव एनर्जी जो है वो इतनी असरकारक है, इतनी प्रबल है कि उसके सामने लड़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमें अस्त्र शस्त्र हमेशा सज रखना पड़ता है, मंत्र जप से, ध्यान से, यज्ञ से, दान से, सेवा से, हमारे अस्त्र शस्त्र सजते रहते हैं। वो आसपास की नेगेटिव एनर्जी को काटता रहता है, आने नहीं देता। आपका हमारा जो ऑरा है वो एकदम गोल पूर्ण सूर्य की तरह बना रहेगा, अगर नियमित रीत से हम जप और ध्यान करें, अपने चीते को गुरु महाराज के साथ जोड़े रखें, तो वो जो ऑरा है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, उसमें छेदा नहीं आएगा। अगर एक छेद पड़ा, वो ऑरा डिस्टर्ब हो गया, तो उसमें तुरंत नकारात्मक शक्ति घुस जाती है, वो क्या करेगी, विचार बदलेगी, इच्छा बदल देगी, धीमे धीमे आपकी पॉजिटिवनेस बदलने लगेगी। विचार बदलेगा तो सद्विचार और दुर्विचार, सद्विचार से सद कार्य होंगे, दुर्विचार से दुष्ट कर्म होंगे, दुष्ट कर्म से हमें अशांति मिलेगी, हम दुखी रहेंगे और धीमे धीमे नरक की यातना भोगते हुए मृत्यु में हम समा जाएंगे। तो करना है क्या, ये जो जप करेंगे, ध्यान करेंगे, सेवा करेंगे, दान करेंगे, यज्ञ करेंगे, उससे पूज्य श्री को कि किसी और को कोई फायदा होने वाला नहीं है। गुरु क्या करता है, वो अंधकार हटाता है, आपको मंत्र दे दिया, फिर आपको अपनी खेती खुदे करनी पड़ती है, अपना हल खुदे जोतना है, अपनी खेती को अपने पाक को खुदे लड़ना है। तो उसके लिए हम मंत्र खेलेंगे, सोएंगे, मर जाएंगे, ये तुमड़ा हमारा आपका जो शरीर है ऐसे ही चला न जाए। गुरु से अपना तार जोड़ लें, बस एक ही छोटा सा काम करना है, उसको याद करते रहे तुम।